लैंग्वेज डेवलपमेंट इन ऑस्ट्रेलिया डियर स्टूडेंट मुझे इसमें इस मॉड्यूल में आपसे ऑस्ट्रेलिया में लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में बात करनी है मल्टी इन ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया में मल्टी लैंग्विज़म वतन की वजह से पाया जाता है रिच लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इन ऑस्ट्रेलिया ड्यू टू इट्स मल्टी कल्चरल पॉपुलेशन प्रेजेंस ऑफ नेटिव एंड टोरिस स्ट्रेट रेजिडेंट लैंग्वेजेस नेटिव और जो उनके अपने जो कदीम बाशिंदे हैं उनकी लैंग्वेज और एज़ वेल एज द वाइड रेंज ऑफ लैंग्वेज स्पोकन बाई इमिग्रेंट्स तो वाइड रेंज ऑफ जो इमिग्रेंट्स हैं जो वहाँ बहुत तारकिन वतन आए उनकी की लैंग्वेज की भी एक वसी रेंज है इंडिजनस लैंग्वेज प्रिजर्विंग तो लोकल uh, जो लैंग्वेज़ हैं मकामी लैंग्वेज़ हैं उनको प्रमोट करना और उनको सिक्योर करना ये भी इस प्रोग्राम का हिस्सा है उनमें एंड अपलिफ्टिंग नेटिव स्ट्रेट रेजिडेंट लैंग्वेज तो जो उनके मकामी या नेटिव बाशिंदे हैं उनकी लैंग्वेज को भी सेव करना आस्ट्रेलियन लैंग्वेज डेवलपमेंट प्रोग्राम का हिस्सा है तो ये एक लैंग्वेजेस ऑफ आस्ट्रेलिया के बारे में ये एक डाटा uh, दिया हुआ है सेंसिस ईयर लैंग्वेज अब इसमें देखें 2001, 2006 एंड 2011 और 2016 क्या ये डाटा है अब 2001 में इंग्लिश बोलने वाले 80 परसेंट 2006 में ये 78 एट परसेंट टू में 76.8 परसेंट और 2016 में 72.7 परसेंट इसका मतलब ग्रेजुअली तारकिन वतन की तादाद बढ़ रही है इंग्लिश स्पोकन जो लोग हैं या स्पीकिंग लोग हैं वो उनकी तादाद कदर कम हो रही है और दूसरी जो फाइव टॉप लैंगव हैं उसमें मेडट्रेन अरेबिक इटालियन ग्रीक कैंटोनसी वितनामस तो ये लैंग्वेजेस हैं जो वहाँ बोली जाती हैं इंग्लिश एज अ प्राइमरी लैंग्वेज लेकिन अभी भी मेजॉरिटी वहाँ जो इंग्लिश पीपल हैं और वहाँ मेजॉरिटी लैंग्वेज जो है ऑफिशियल लैंग्वेज उनकी इंग्लिश ही है और इंग्लिश प्रोफिशंसी फॉर सोशल इंटीग्रेशन तो सोशल इंटीग्रेशन के लिए इंग्लिश प्रोफिशेंसी बहुत ज़रूरी है एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ तो एजुकेशन और वहाँ मुलाजमत के मौक़ों के लिए भी इंग्लिश की एजुकेशन जो है इंग्लिश जबान का सीखना बहुत ज़रूरी है एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डायलैक्ट्स एक्सेट्स तो वहाँ रीजनल डायलैक्ट्स भी आ, पाए जाते हैं और एंड जो ईडियम्स विद इन आस्ट्रेलियन इंग्लिश लैंग्वेज तो जो वहाँ उनकी मकामी लैंग्वेज हैं वहाँ आट्टेलियन लैंग्वेज के ईडियम्स वगैरह ये भी सिखाए जाते हैं उस लैंग्वेज डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में लैंग्वेज डिवेलमेंट इन अर्ली चाइल्ड हुड सो लैंग्वेज रिच एनवामेंट फॉर अर्ली लैंग्वेज एक्सपोजर तो अर्ली चाइल्ड हुड एजुकेशन में लैंग्वेज डेवलपमेंट एक्सपोजर बहुत इंपॉर्टेंट है एंड मोटिवेशन इन प्रोमोटिंग लैंग्वेज डेवलपमेंट इन ऑस्ट्रेलियन चिल्ड्रन तो ऑस्ट्रेलियन चिल्ड्रन में उनको मोटिवेट किया जाता है लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए प्रोसेस uh, उनके भी वही हैं सेम सिस्टम भी उनका वही है और स्टेजेस भी लैंग्वेज डेवलपमेंट की ये यूनिवर्सल प्रोसेस है लैंग्वेज डेवलपमेंट का और नेटिव लैंग्वेज प्रोग्राम्स इन अर्ली चाइल्डहुड स्कूल्स तो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन स्कूल्स में लैंग्वेज uh, डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स मुहैया किए गए हैं टू सपोर्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड कल्चरल प्रिजर्वेंस तो लैंग्वेज डेवलपमेंट को सपोर्ट करने के लिए और लैंग्वेज को कल्चर uh, को प्रिजर्व करने के लिए सो लैंग्वेज माइल स्टोन्स एंड एजुकेशन तो टिपिकल लैंग्वेज माइल स्टोन इन इंग्लिश स्पीकिंग चिल्ड्रन लोकल लैंग्वेज एजुकेशन बेनिफिट्स ऑफ कीपिंग स्ट्रॉग कनेक्शंस तो जो तारकिन वतन और लोकल लोग हैं उनकी लैंग्वेजेस और स्पीक uh, जो इंग्लिश है और जो uh, दूसरी ज़ुबानों उनमें इंटरेक्शन की का पर्पस क्या है कि लोगों में कनेक्शन बढ़ाया जाए और कल्चर्स को सपोर्ट किया जाए लैंग्वेजेस को सपोर्ट किया जाए और टू इंडिजस कल्चर्स एंड लैंग्वेजेस जो लोकल कल हैं और उनके कल्चर्स को फ़्रो देना और उनको सिक्योर करना मल्टी लैंग एजुकेशन प्रोग्राम्स तो ऑस्ट्रेलिया में भी मल्टी लैंगज एजुकेशन प्रोग्राम पाया जाता है लैंग्वेज प्रोग्राम फॉर इमिग्रेंट्स कम्यूनिटीज़ तो इमिग्रेंट कम्यूनिटीज़ के लिए लैंग्वेज प्रोग्राम्स इसमें एजुकेशन सेकेंड लैंग्वेज प्रोग्राम्स एंड सपोर्ट सर्विसज़ फ़ॉ चिल्ड्रन फ्राम इमीग्रेंट बैकग्राउंडस तो जो बच्चे इमीग्रेंट्स हैं यानी तारकीब तारकियब वतन के बैकग्राउंड के साथ आते हैं उनके लिए सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग प्रोग्राम फरहम किया जाता है और मेटेनिंग होम लैंग्वेज और होम जो लैंग्वेज़ हैं उनको उनको भी मेनटेन किया जाता है इंग्लिश प्रोफिशेंसी के साथ साथ और कम्युनिटी लैंग्वेज स्कूल्स और वहाँ कम्युनिटी लैंग्वेज स्कूल्स जो बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ फ्राहम करते हैं टू लर्न एंड मेंटेन देयर ट्रेडिशनल लैंग्वेज उनकी रवायती जो लैंग्वेज है उनको मेंटेन करना इस पे भी वो फोकस किया जाता है लैंग्वेज असेसमेंट एंड सपोर्ट लैंग्वेज असेसमेंट फॉर डाइवर्स लर्नर्स Uh, जब डायवर्स लर्नर्स हों तो आपका लैंग्वेज प्रोग्राम असेसमेंट का प्रोग्राम भी डाइवर्स होना चाहिए सो नीड फॉर कल्चरली सेंसिटिव एंड इंक्लूसिव असेसमेंट प्रैक्टिस तो कल्चरल सेंसिटिव और इंक्लूसिव प्रैक्टिस ये है कि मुख्तफ लैंग्वेज को असेस करने के यानी उस प्रोग्राम में मुख्तु लैंग्वेज को असेस करने की फैसिलिटी होनी चाहिए अवेलेबिलिटी ऑफ लैंग्वेज सपोर्ट सर्विसज़ लैंग्वेज सपोर्ट सर्विसज की फरहमी होनी चाहिए लाइक इंग्लिश लैंग्वेज सेकेंड लैंग्वेज टीचर्स एजुकेशनल सपोर्ट प्रोग्राम्स टू असिस्ट स्टूडेंट्स इन देयर लैंग्वेज डेवलपमेंट जो बच्चों को uh, उनके लैंग्वेज uh, डेवलपमेंट में असिस्ट करते हों कल्चरल कन्सडरेशन इन लैंग्वेज डेवलपमेंट तो लैंग्वेज डेवलपमेंट में कल्चरल कंसड्रेशन भी बहुत अहम हैं तो कल्चरल फैक्टर्स और ट्रेडिशंस रवायात और सोसाइटल नॉर्म्स इन्फ्लुएंस लैंग्वेज डेवलपमेंट इन आस्ट्रेलिया तो आस्ट्रेलिया में भी ये लैंग्वेज डेवलपमेंट पे असर अंदाज होती है और इम्पोटेंस ऑफ रेकग्नाइजिंग वो जो लैंग्वेज और कल्चर को रेकगनाइज करना और रिस्पेक्टिंग द डाइवर्स कल्चरल आइडेंटिटीज़ और डाइवर्स कल्चरल आइडेंटिटीज़ की रिस्पेक्ट करना उनको यानी उनको स्पेस देना और लैंग्वेजेस ऑफ आस्ट्रेलियन चिल्ड्रन और आस्ट्रेलियन बच्चों की लैंग्वेज को डेवलप करना तो ये थी तफसील मैंने आस्ट्रेलिया में लैंग्वेज डेवलपमेंट की का सिस्टम और प्रैक्टिसेस जिस पर मैंने तफसील से आपसे बात की